പ്രളയം, സർവനാശം വിതയ്ക്കുന്ന മഹാപ്രളയം. What I mean to say is, പ്രളയം ആനെ വാല ഹൈ. अरे गॉड, 19-20 कहीं तो फरा के पास यहाँ कोई है तो? Yes गॉड, 19-20 का फरक है, 19-20 का फरक है, 19-20 का फरक है, 19-20 का फरक है, इसमें उसमें 19 लाख का फरक है। तो इस वीडियो में हम लोग रिक्रिएट करने जा रहे हैं बड़े नियम और छोटे नियम का पोस्टर। पहला वीडियो मूवी पोस्टर। ये वीडियो जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। पहला जो है बैकग्राउंड डिजाइनिंग, दूसरा कैरेक्टर प्लेसमेंट और तीसरा जो है टेक्स्ट और टाइटल डिजाइनिंग। तो लेट्स बिगिन। सो इसके लिए सबसे पहले फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और 3000x5000 पिक्सल पे एक वाइट कलर का कैनवास ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पोस्टर का बेस तैयार कर लेंगे, जिस पर हम लोग अपने मॉडल्स वगैरह को ला के रखेंगे। एक बेस चाहिए, उसके लिए मैं एक ये इमेज यूज़ कर रहा हूँ। ये भी एक पिस्ता स्क्रीन शॉट ही है। मैंने सबसे पहले पूरा ट्रेलर देखा, उसके बाद जो जो मुझे चीज़ें लगी कि हाँ मैं अपने थंबनेल में या अपने पोस्टर वगैरह में यूज़ कर सकता हूँ, उन सब का स्क्रीन शॉट ये ही है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसको मैंने पेज के नीचे कंट्रोल टी प्रेस किए और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, लगभग इतना, एंड एंटर। अब इस पर एक लेयर मास्क ऐड करेंगे। लेयर मास्क ऐड करने के लिए सबसे नीचे एक इस छोटे से आइकन पर क्लिक करेंगे एंड ब्रश टूल लेंगे। और एक चीज़ देखिए, जब यहाँ पे वाइट कलर रहेगा तो यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है। इन दोनों में आपस में अपोजिट कलर्स यूज़ करेंगे। तो हम लोग ब्रश टूल का यूज़ करके इसका साइज़ छोटा बड़ा करके हम लोग इरेज कर सकते हैं चीज़ें। और अगर सेम ही कलर रहेगा, यहाँ जैसे वाइट है और यहाँ पे वाइट है, तो इरेज नहीं है उन पर। अगर यहाँ पे वाइट है और यहाँ पे ब्लैक है तो आराम से इरेज हो जाएगा। तो हम लोगों को इरेज ही करना है। तो हम लोगों को यहाँ पे वाइट है तो यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए। उसके बाद इसका ब्रश का साइज़ हम लोग बड़ा करेंगे। ब्रश का साइज़ छोटा और बड़ा करने के लिए ऑल्ट फॉर होल्ड करके और उसके राइट क्लिक को लेफ़्ट टू राइट या ऊपर नीचे करेंगे तो हार्डनेस कम जीरो होगी, और लेफ़्ट टू राइट करेंगे तो इसका साइज़ बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पेंट आउट करेंगे। हम लोगों को बस इतना ही चाहिए। तो ये हमारा हो गया, जहाँ पर हम लोग अपने कैरेक्टर को प्लेस करेंगे। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे एक ऊपर क्लाउड ऐड करने के लिए सबसे मैंने आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके नॉर्मल कर सकते हो। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे क्लाउड। क्लाउड का साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे और ऊपर के साइड जो है प्लेस कर देंगे। ठीक है, और इसको जो है बैकग्राउंड के नीचे ला के रख देंगे। इस पर भी जो है लेयर मास्क ऐड कर देंगे, ब्रश के साथ इरेज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक दूसरी इमेज ऐड करेंगे। एक ये इमेज है, इसको ऐड करेंगे। इसका हम लोग केवल ये हाथ का पोर्शन लेंगे। उसके लिए भी हम लोग लेयर मास्क ऐड करेंगे एंड ब्रश टूल लेंगे ऊपर और नीचे एकदम बारीकी से इरेज कर देंगे। तो इन्हें ठीक है, अभी ये बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। उसके लिए हम लोग इसके ऊपर एक ह्यू एंड सैचुरेशन पे लेयर बनाएंगे। फिर इस छोटे से आइकन पे क्लिक करना है एंड ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक करना है। और ये जो है सिर्फ हमारे इसी लेयर पे इफेक्ट करें, उसके लिए हम लोग ह्यू एंड सैचुरेशन के लेयर पे इस वाले आइकन पे क्लिक करके क्लिक कर देंगे, जिससे हम जो भी चेंजेस करेंगे वो सिर्फ इसी लेयर पे होगा। तो हम लोग इसका सैचुरेशन कम कर देंगे, बिल्कुल कम इतना। तो देखें ह्यू एंड सैचुरेशन कम करते ही जो है बैकग्राउंड सर्कल का मैच होने लगा। ठीक है, अब हम लोग जो है अपने वेरिएंट को लेके आएंगे। वेरिएंट की फोटो को मास्क आउट करने के लिए वैसे तो मैं पेन टूल का यूज़ करता हूँ। पेन टूल से जो है हम लोग इसका ड्रॉ सिलेक्शन बना लेंगे। वैसे इस इतनी आइन की ज़रूरत है नहीं, तो हम लोग इनको छोड़ के हम लोग चाहेंगे सेलेक्ट हुए और सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लेंगे। तो फोटोशॉप जो है ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा इसमें से सब्जेक्ट क्या है, उसको मास्क आउट कर देगा। इसके बाद हम लोग लेयर मास्क पर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड ऑटोमेटिक हट जाएगा। इसकी लेयर पर लाइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। इसके बाद इस इमेज को लेके जाएंगे अपने पोस्टर पे। उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, हम लोगों को
इसको सेट करना है यहाँ पे, इसको लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लेयर मास्क ऐड करेंगे, ब्रश लेंगे, इसका साइज़ बड़ा करेंगे और नीचे से इरेज कर देंगे, जब तक हमारा ये वाला हाथ थोड़ा विजिबल ना हो जाए। ठीक है, अब हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे, इस जगह पे क्लाउड के पास एक हेलीकॉप्टर, ये वाला हेलीकॉप्टर, इसको लाएंगे यहाँ पे, प्लेस करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे इस पर और ऐड करेंगे एक ये वाला ओवरले सबसे ऊपर, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसको बड़ा करेंगे और हम लोग इसको पूरे स्क्रीन पर रख देंगे और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देंगे स्क्रीन पे, और इस पर एक लेयर मास्क ऐड करेंगे, ब्रश ऐड करेंगे और हार्डनेस कम करके यहाँ 8% और थोड़ी ओबेसिटी कम करेंगे और थोड़ा नीचे से इरेज कर देंगे हम लोग। हम लोगों को एक सॉफ्ट लाइट चाहिए चेहरे पे, यहाँ पे और यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग इस पर ऐड करेंगे एक एक्सप्लोजन गेन, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे और लेयर मास्क ऐड करेंगे, ब्रश ऐड करेंगे ऊपर और नीचे से, ओपेसिटी फुल करके ऊपर और नीचे से हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर और ये सेम जो कि सिचुएशन क्लियर है, अर्न के साथ प्रेस करके ऊपर टीचर ब्रैक करेंगे, अभी ये सारी लेयर्स पे इफेक्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे इन दोनों लेयर्स के बीच में, कि जैसे ये आइकन चेंज हुए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये आई सिर्फ इफेक्ट करेगा अपने उस लेयर पे जो अभी हम लोगों ने ऐड की है। अब जो है हम लोग ऐड करते हैं अपने मॉडल्स पे, वैसे तो उसकी तो इसकी इमेज ये है, लेकिन मैंने इसका कटआउट पहले से कर रखा है, तो आप चाहे तो कटआउट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं लेके आऊँ फोटोशॉप, एंटर प्रेस करेंगे तो वो वाली भी इमेज आ जाएगी। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करके हमने उसको अलाइन करना है जहाँ पे हमको चाहिए, बड़े मियाँ इधर आएंगे और छोटे मियाँ इधर आएंगे। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे रूलर के लिए और हम लोग ये चेक करेंगे कि दोनों की हाइट सेम आ रही है या नहीं। ओके, डन, सही आ रही है, वापस कर दें। अब हम लोगों इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेना है और इस ग्रुप का जो है लेयर मास्क क्रिएट करना है और ब्रश और सेलेक्ट करके नीचे से इरेज कर देना है इस तरीके से। ठीक है, अब हम लोग एक और इमेज लेके आएंगे टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के, ठीक है। इसको भी हम लोग बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, उसके लिए सेलेक्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट सब्जेक्ट पे जाएंगे एंड बैकग्राउंड का सिलेक्शन हो चुका है। जहाँ जहाँ आपको जब कोई दिक्कत है उसके लिए हम लोग को कुछ सिलेक्शन को सेलेक्ट करना है और सिंपली जो है ड्रैग करना है उस जगह पे जो चीज़ें हमें चाहिए, और अगर एक्स्ट्रा पार्ट कुछ हो जा रहा है तो ऑल्ट के साथ ब्रश का साइज छोटा बड़ा करके हम लोग इसको वापस से माइनस कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ माइनस होगा कि ना ऑल्ट की ये सिलेक्शन बनता चला जाएगा, ऑल्ट के साथ हम लोग करेंगे और जूम करके डिटेल में काम करेंगे। सिलेक्शन हो गया है हमारा, अब हम लोग उसका लेयर मास्क क्रिएट कर देंगे जिससे बैकग्राउंड एरिया हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इस कन्वर्ट को स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे और इसको लेके चलेंगे अपने इस लेयर पे और इसको कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको हम लोग रिसाइज करेंगे। ठीक है, ये अपना मॉडल सेट हो चुकी है और हमारी ऑलमोस्ट चीज़ें जो है सेट हो चुकी हैं। अब हमें बस बेसिक डिटेलिंग ऐड करनी है सब चीज़ों में, जैसे यहाँ पे एक शेडो रहेगा, इन
मॉडल के नीचे जस्ट एक नई लेयर बनाएंगे, प्रेस टू लेंगे और सिंपली इस तरफ शेडो बन चुकी है। अब हम इसके ऊपर एक और लेयर लेंगे, नई लेयर आई ड्रॉपर टूल लेंगे, आई फॉर आई ड्रॉपर टूल, और यहाँ से एक कलर पिक करेंगे, फिर ब्रश टूल लेंगे और हम लोग यहाँ पे अंकल का पेंट करेंगे इनके पीछे, जिससे इनके और इनके बीच में सेलिब्रेशन दिखे। ठीक है, एक और लेयर क्रिएट करेंगे और वाइट डी फॉर डिफॉल्ट कलर, एक्स फॉर हम लोग कलर्स को चेंज कर सकते हैं इनसे। तो हम लोग वाइट कलर लेंगे, ब्रश टूल लेंगे और इनकी एजेस पे हम लोग हल्की सी लाइट ड्रॉ करेंगे मैनुअली, जैसे ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो देख रहे होंगे आप मॉडल पर पीछे हल्की सी लाइट आ रही है, तो ये चीज़ हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो अभी इस चीज़ को मैं फास्ट फॉरवर्ड में कर दे रहा हूँ। सेम एज है, हम लोग टाइगर श्रॉफ के पीछे भी करेंगे, बस आपको क्लिक 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 करना है तो हल्के हाथ से। चाहे तो आप इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हो थोड़ी, या पहले ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देख लेते हैं किस पे सही लगेगा। आई थिंक लाइटिंग पे सही लग रहा है, ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे और ये देखिए बिफोर आफ्टर ठीक है, सही लग रहा है। अब जो है हम लोग ऐड करेंगे फायर्स, फायर ऐड करेंगे, उसके लिए कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और फायर ऐड करेंगे। सेम लेयर मास्क ऐड करेंगे, ब्रश टूल देंगे, ब्रश का साइज बड़ा करेंगे और ऊपर नीचे से इरेज करेंगे। ठीक है, और एक और स्क्रीन शॉट है उसको ऐड करेंगे हम लोग, जैसे ये टाइगर श्रॉफ की ये स्क्रीन शॉट ऐड करेंगे, ये इससे इधर बगल में एक गाड़ी भी आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए इस पर भी लेयर मास्क ऐड करेंगे, ब्रश टूल से नीचे और ऊपर से इरेज कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तैयार है। हम इन लोग ऐड करेंगे यहाँ पे एक अक्षय कुमार का स्टंट है मूवी में, ये वाला, इसको लाकर यहाँ पे ड्रैगन ड्रॉप करेंगे, उसको पिटो यहाँ पे ला के ऐड करेंगे यहाँ पे। उसके लिए फिर हम लोग लेयर मास्क ऐड करेंगे और यहाँ से इरेज कर दी अक्षय कुमार को, थोड़ा आईडी कर देंगे हम लोगों को, पहले ये व्हील्स चाहिए, व्हील्स चाहिए गेर, तो बेस्ट टूल से अभी भी चीज़ें इरेज कर सकते हैं कभी वो। ठीक है, कितना हो गया, तो हमारा पोस्टर ऑलमोस्ट रेडी है अभी। तो अभी हम लोग इन सब की एक मर्ज लेयर बनाएंगे, मर्ज लेयर बनाने के लिए हम लोग ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, इन सब का जो है एक मर्ज लेयर बन जाएगा। ये देखिए, अब हम लोग इस पे ऐड करेंगे सब कलर रेडी। उसके लिए सबसे पहले हम लोग कंट्रोल यू करेंगे, तो क्यू एंड सैचुरेशन पे वैल्यूज़ आ जाएंगी। हम लोग पहले इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, जैसे एकदम माइनर सा पर ओके कर देंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे फिल्टर में एंड कैमरा रॉ फिल्टर, इस पर हम लोग सबसे पहले एक्सपोजर बढ़ाएंगे थोड़ा सा, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, हाइलाइट्स कम करेंगे, शेडोज बढ़ाएंगे, बेस ब्लैक्स कम करेंगे, क्लियरिटी बढ़ाएंगे, टेक्सचर्स बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग एक नई लेयर ऐड करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे और इसका साइज़ बड़ा करके नीचे से थोड़ा सा डार्क करेंगे।
कंट्रोल टी और नीचे से डार्क करेंगे, ठीक है। तो लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अपना टाइटल। उसके लिए हम लोग जाएंगे, उसके लिए मैंने एक टेक्स्ट इफेक्ट डाउनलोड किया हुआ था फ्री पिक से, मैं उसका भी लिंक दे दूँगा। सबसे पहले उसको ओपन करना है जी। इसके ये है वो टेक्स्ट इफेक्ट जो मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किया हुआ था। सबसे पहले उसके लिए प्लेस योर टेक्स्ट इधर, ये पेन वाली इस पर क्लिक करना है डबल, और फिर इस टेक्स्ट को चेंज करना रहेगा। तो मूवी का टाइटल लिखते हैं बर्थडे मिनियन, बर्थडे मिनियन छोटे मिनियन, ठीक है। कंट्रोल टी और इसको छोटा कर देगी इतना, और इसको सेव कर लेंगे और बंद कर देंगे इस फाइल। तो ये देखिए अभी थोड़ा कट रहा है, तो हम लोग इसको और छोटा करेंगे थोड़ा, इसको सेव करेंगे वापस से। हाँ, अभी टाइटल हमारा आ चुका है, तो अभी बाकी चीज़ें हम लोग जैसे इसमें से हटा देंगे, जैसे ये एडिशनल टेक्स्ट है, ये बैकग्राउंड है, और उसके बाद इन सब को एक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग लेके जाएंगे इसको अपनी, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसको बड़ा कर देंगे, अगर कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है तो हम लोग फिर से जा सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ की स्पेसिंग ज़्यादा लग रही है, इसको कम करने के लिए हम लोग वापस से इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और इस टेक्स्ट को हम लोग स्पेसिंग इसकी कम कर सकते हैं। और फिर इसको सेव कर लें, फिर सेव कर लेंगे एक बार। अब मुझे थोड़ा ज़्यादा लगने लगी, वापस हम लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देंगे। अभी बेटर लग रहा है पहले से, तो इसको सेव ही रखेंगे। अब कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, हम लोगों को कितना चाहिए, हम लोगों को चाहिए इतना, और नीचे से जो नीचे वाली लेयर है, जो ये लेयर है, इसको हम लोग थोड़ा और डार्क करेंगे, डार्क जिससे नीचे भी हम लोग को क्रेडिट्स लिखने हैं, तो क्रेडिट्स हम लोग लिखेंगे नीचे। तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट टूल लेंगे, टेक्स्ट टूल पे हम लोग क्रेडिट्स वो लिख देंगे, ये मूवी किस किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, उसको रखेंगे सबसे ऊपर। इसका फॉन्ट का नाम है आर्या, और इस बीच में कलर कोड यूज़ किया है वो ये है AB9966। ओके, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ पे जो मैंने फॉन्ट यूज़ किया है उसका नाम है एम्पायर करके कुछ नाम है, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। हालांकि इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस फॉन्ट का नाम है टिमिल एम्पायर। ये बाकी क्रेडिट्स हम लोग ऐड कर देते हैं, इसी सेम से भी कॉपीज देख के क्रेडिट्स ऐड कर देते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और इसका साइज थोड़ा छोटा बना करते हैं। इन सब को थोड़ा थोड़ा ऊपर करते हैं, इससे इसी के कॉपी ले लेंगे, बीच में लिखना है 2024। ये हो गया, ये टेक्स्ट वगैरह आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, नहीं तो ये मैंने मैनुअली लिखा हुआ है, मतलब मूवी के पोस्टर से ही उठाया हुआ है, तो उसमें कोई वो नहीं है। और जो इसका फॉन्ट का नाम हो वो है बकबक वन करके नाम है फॉन्ट का, और जो ये फॉन्ट यूज़ किया है इसका नाम है अल्डो द अपाचे। और ये इफेक्ट नहीं है, ये जैसे ये एक नॉर्मल सा ही वो है, जैसे एक ये एक नॉर्मल सा फॉन्ट है, जैसे 16 उसका है,
पिक्सल का। इसमें बस मैंने ईथ को जो है हाईलाइट करने के लिए इसका साइज बस जो है थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। बस बाकी इसमें और कुछ नहीं है। अभी एडिटिंग के टाइम मैंने ध्यान दिया कि मैंने जो है यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड किया हुआ था अपनी ओरिजिनल वाली फाइल में, ये प्रलयम, आई मीन टू से दैट प्रलय आने वाला है, तो वो टेक्स्ट जो है वो है ये प्रलयम। इसका फॉन्ट नेम जो है वो है AMS काशी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो कलर कोड है वो है B2B2B2। ओके, इसी को सपोर्ट करने के लिए मैंने इसकी आगे की लाइन भी लिखी हुई है, जैसे आई मीन टू से दैट प्रलय आने वाला है। आई मीन टू से दैट फॉन्ट का नाम है अल्डो द अपाचे एंड इसका कलर कोड है AB9966। ओके, और प्रलय आने वाला है, फॉन्ट का नाम है आर्या और सेम कलर कोड है इसका AB9966। ओके, उसके बाद का प्रोसेस सारा सेम ही। अब हम लोग ऐड करेंगे इसमें अपनी लोगोस, जो लोगोस हैं इन ये रेबस लोगोस, ये हम लोग ऐड करेंगे इसमें। तो सबसे पहले पूजा एंटरटेनमेंट का लोगो लगेगा यहाँ पे, फिर आज फिल्म का लोगो लगेगा यहाँ पे, उसके बाद म्यूजिक को और टोनी का लोगो लगेगा यहाँ पे, जो कि ओरिजिनल पोस्टर में भी ऐसे ही लगा हुआ है, मैं आपको साइड में दिखा दूंगा। फिर PVR और नेटफ्लिक्स का लोगो यहाँ पे। अब इन सारी लेयर्स को मर्ज करके आपको एक लेयर क्रिएट करनी है, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल ई करके भी एक लेयर क्रिएट करनी है इन सब की, और फिल्टर पे जाना है, ब्लर पे जाना है, गॉर्शियन ब्लर पे जाना है, और इसको पूरा बढ़ा देना है और ओके कर देते हैं, ठीक है। उसका ब्लेंडिंग मोड देखना है कहाँ पे आके फिट बैठेगा। जैसे ओवरले पे फिट बैठ रहा है तो हम लोग ओवरले पे रोक देंगे। अब आप देखिए क्विक बिफोर आफ्टर कितना ज़्यादा चेंज आया है, बिफोर एंड आफ्टर लाइट्स जो है पूरी मैनेज हो चुकी हैं, बिफोर एंड आफ्टर। वैसे ये चीज़ हम लोगों को सारे टेक्स्ट के नीचे करने चाहिए, जो हमारे सारे टेक्स्ट हैं उसके नीचे, जिससे हमारे टेक्स्ट विजिबल हों अच्छे से। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे ऊपर अगर रखेंगे तो ये टेक्स्ट पे भी इफेक्ट करेगा, तो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। अब हम लोग इसको सब टेक्स्ट के जस्ट ऊपर रखेंगे तो ये जो है बहुत अच्छा लगेगा। देख, ये देखिए क्विक बिफोर आफ्टर। इसके बाद सबसे ऊपर जाएंगे, वापस से सबकी ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल ई प्रेस करके सबसे पहले इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे, और फिर जाएंगे हम लोग फिल्टर पे एंड कैमरा रॉ फिल्टर। अब इस पे हम लोग करेंगे लास्ट कलर रेडी, उसके बाद हमारा पोस्टर बिल्कुल रेडी है। पोस्टर तो वैसे भी बिल्कुल रेडी ही है, लेकिन हम लोग इसमें बेसिक करेक्शंस अभी भी करेंगे, जैसे कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे और हाइलाइट्स भी थोड़ी सी बढ़ा ही देंगे, और शेडोज थोड़ा बढ़ाएंगे, टेक्सचर्स क्लियरिटी भी थोड़ी बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को थोड़ा वार्म टोन में रखेंगे, कूल टोन में रखेंगे इस बार, ठीक है। एक्सपोजर्स हल्का सा, वाइब्रेंस भी हल्का सा कम ही रखती थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद कलर मिक्सर पे जाएंगे, ऑरेंज का जो है सैचुरेशन भी थोड़ा ज़्यादा लग रहे हैं तो हल्का सा कम करेंगे, और ह्यू भी हल्का सा कम करेंगे, ठीक है। कलर ग्रेडिंग में जाएंगे, शेडोज़ में जाएंगे, शेडोज़ में जो है हम लोग थोड़ा एक को डार्क सा ऐसे टोन कुछ लेंगे, हाँ ओके। एंड हाईलाइट्स में जो है हम लोग थोड़ा एक ब्लूइश शेड टोन देंगे, ब्लूइश एंड ओके। एंड नाउ ये रहा आपका बिफोर कलर ग्रेडिंग, ये आफ्टर कलर ग्रेडिंग। उसके बाद इसको हम लोग सेव कर लेंगे।
सो या यही था आज का पूरा ट्यूटोरियल कि जो मैंने रिक्रिएट किया फोटोशॉप में बड़े मियाँ और छोटे मियाँ का पूरा पोस्टर रिक्रिएट किया है, तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए थैंक यू और प्यार बरसाते रहिए बस। थैंक यू, बाय।